अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर, पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज जागरूक भारत। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। आमेट उपखंड क्षेत्र के विकावास में आज सुबह से ही बादल छाए रहे। दोपहर बाद क्षेत्र में बूंदाबांदी का दौर जारी रहा। आज सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे, कभी धूप कभी छांव जैसा वातावरण बनता रहा। दोपहर 3 बजे तेज गर्जनाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया। मौसम विभाग ने आगामी 18 मार्च तक आसमान में ही बादल छाने के साथ तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावनाएं बताई हैं। कहीं कहीं पर हल्की बारिश की संभावना है। आमेट उपखंड और आसपास के क्षेत्रों में किसानों को खड़ी पकी फसल और कटी हुई फसल को लेकर चिंता सताने लगी है। मौसम के उतार चढ़ाव के बीच हवा की रफ्तार 5 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान जताया जा रहा है। 18 मार्च तक बारिश की संभावना। मौसम विज्ञान विभाग जयपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार 17 मार्च को 1.5 मिलीमीटर बारिश का अनुमान बताया गया है, जबकि 18 मार्च को 18.8 मिलीमीटर बारिश होगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ जागरूक भारत।